तरह से इतना बड़ा बड़ा काटा जाता है दोस्तों, और इसका ना एकदम से टेस्टी सब्जी बनता है। इसके सामने चिकन मटन फेल हो जाता है वैसा वाला। देखिए कितना सुंदर लगता है कि मतलब चिकन ही बन रहा है ना। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है सब्जी। नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। और दोस्तों हमारे घर पर ना एक जादू आया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों जादू ये रहा। काय पीड़िया जादू, हाय कर दो, हाय करो। और ये देखिए दोस्तों, ये दिव्यांश ने मेरा वाला हुड्डी पहन लिया है और बोल रहा है कि मैं ही पहनूंगा। और देखिए कैसे लग रहा है, एक कोई मिल गया का जादू लग रहा है। ये देखिए दोस्तों जादू जादू बोला। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जादू, मैं हूँ जादू। इधर देखिए, इधर देखो, बोल दो ना, खड़े होकर बोलो, मैं हूँ जादू, मैं हूँ जादू। और ये देखिए दोस्तों जादू है ये दिव्यांश, क्योंकि ठंडी लग रहा है दोस्तों। और ये देखिए चांद, सीमा सुबह भी पढ़ के आई है स्कूल से, सुबह गई थी 9 बजे। और ये देखिए जादू का हाथ कितना बड़ा हो गया है। अंदर कर दो, अंदर कर दो, अंदर कर दो अच्छे से। और ये देखिए दोस्तों दिव्यांश का बाहर हो चुका था, तो अंदर के बारे मुझे दे दो, मुझे ठंडी लग रहा है, अब हम पहनेंगे। हाँ ठंडी लग रहा है, दे दो अब हम पहनेंगे। देखो और ये देखिए दोस्तों दिव्यांश बोला नहीं दूंगा तो मैं ऐसे रहूंगा, मुझे ठंड लग रहा है, मुझे दे दो ना, मुझे ठंड लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों जेब में भी हाथ रख रहा है। चलिए पापा खाना बनाते हैं, चलिए बेटा चलते हैं, लेकिन हमको ठंडी लग रहा है, दे ना दो, दे दो मेरा वाला हुड्डी, नहीं दूंगा। पापा से पूछो क्या बनाएंगे खाना में। और ये देखिए दोस्तों ये रौनक है दिव्यांश का दोस्त, खोल दे, ला खोल दे, खोल। और ये देखिए दोस्तों दिव्यांश ना खोला इसके लिए, रोने लगा और कैसे दांत काट रहा है। चुप चुप ना, मत खोलो मत खोलो, गोदी में ले लो, गोदी में ले लो, रहन दो रहन दो। और ये देखिए दोस्तों कितना रोने लगा, रहन दो मैं। ये देखिए दिव्यांश का दोस्त रौनक उधर भी है, सभी दोस्त है दिव्यांश का। ये देखिए दिव्यांश को बुलाने आए हैं, लेकिन दिव्यांश अभी तो रो रहा है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, नहीं खोलेंगे, चुप, नहीं खोलेंगे। ठीक है। और आंसू देखिए दोस्तों दिव्यांश एक बार, इसमें भी कर दो। हाँ बेटा, पापा को बोलो, चलिए पापा खाना बनाते हैं। आपका गाड़ी घर पे है, चलो अपना वाला दे दे बेटा, रौनक का गाड़ी है, रौनक का, चलो। दोस्तों दिव्यांश का ना लैम्बोर्गिनी है, चलिए दोस्तों दिव्यांश का लैम्बोर्गिनी आप सभी को दिखाते हैं। दोस्तों सच ही बोलते हैं, बच्चों को ना अपना जितना भी खिलौना हो ना पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरों का खिलौना ही पसंद आता है। ये देखिए ये रौनक की गाड़ी के लिए रो रहा है, थोड़ा सा दे दो, जबकि इसका ना बहुत बड़ा है दोस्तों दिव्यांश का, इससे बहुत बड़ा है, लेकिन इससे नहीं खेलेगा, ये इससे खेलेगा, और थोड़ी देर के लिए बस, थोड़ा देर खेलेगा उसके बाद उससे ये भी फेंक देगा, ना फेंक भाई, नहीं फेंकेगा दोस्तों। बोलो गाइस ये रौनक का गाड़ी है, रौनक की है। तो चलिए दोस्तों अपने शाम हो चुकी है, और सभी बच्चे ये देखे, कौन हो बेटा, कौन हो, कौन हो सर, तुम कौन हो? देखिए दोस्तों दिव्यांश बोला है हम छी मुकेश, मतलब मुकेश मेरा नाम है, और मेरा जैकेट पहन लिया तो बोला कि हम छी मुकेश, मतलब मैं सुरसर गया दिव्यांश, और ये मुकेश है दोस्तों, ये देखिए। और कैसे जादू की तरह लग रहा है। और दोस्तों ये देखिए ये है सब्जी, ये बैंगन, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और ये है अदरक। तो दिव्यांश के पापा ना बहुत दिनों से बोल रहे थे कि बैंगन की एक बहुत ही सुंदर सब्जी बनाने के लिए, जो कि मुझे पता है इन्हें क्या पसंद है, तो चलिए आज वही बनाएंगे इनके पसंद का। और दोस्तों देखिए दिव्यांश पापा मम्मी करके हल्ला कर रहा है, ये बैंगन बेटा। और दोस्तों ये जो सब्जी इसका बनता है ना, इसके सामने चिकन मटन सब फेल होता है, बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों। और दिव्यांश को देखिए माथा पे बैगन कर रख के डांस कर रहा है, ये देखिए।
चलिए दोस्तों खाने बनाने की तैयारी करते क्योंकि शाम हो चुका है। और दोस्तों हमारे घर ना कुछ दिन से मतलब सुबह में 9 बजे लाइट कटता था, एक बार रात को मतलब 6-7 बजे आता है, 7 बजे के बाद। तो देखते दोस्तों अभी ना 4:30 हो रहा है। क्या है बेटा ये? खाऊंगा। क्या खाऊंगा? खा जाओ खा जाओ। दोस्तों खाएगा नहीं सिर्फ बोलेगा। ये देखिए खा लो बेटा, मीठा लाएगा। ये देखिए दोस्तों खा लो, ये मीठा लाएगा। खालो 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 मीठा लाएगा। खाओ ना खाओ ना। ये देखिए दोस्तों नहीं खा रहा है, बस ऐसे बोलेगा कि कैसे मीठा है। तो चलिए दोस्तों अब ना चलते हैं। ये देखिए ब्यूटी खाने की तैयारी करने जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारा किचन है तो यहाँ पे लाइट भी नहीं है, देखते किस तरह से रिकॉर्ड हो पाता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मतलब ब्यूटी सबको साफ किया है, बट ये देखिए दोस्तों एकदम हाँ अंधेरा है तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, जल जाता है, काला काला हो जाता है ना। सबको ब्यूटी पोती है, कल आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। नीचे भी दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ना अभी ब्यूटी काट रही है बैगन को, कुछ इस तरह से इतना बड़ा बड़ा काटा जाता है दोस्तों। और इसका ना एकदम से टेस्टी सब्जी बनता है, इसके सामने चिकन मटन फेल हो जाता है वैसा वाला, तो वही बना रही है दोस्तों। ये देखिए और हमारे इधर दोस्तों लाइट ना अभी सुबह शाम को ही आता है, तो 7 बजे के बाद ही इस व्लॉग को हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, बिकॉज अभी वहाँ पे देख रहे हैं कितना अंधेरा है, तो वहाँ तो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा दोस्तों। तो तब तक चावल उबल ब्यूटी बना लेंगे है ना, और फिर उसके बाद जब ये सब्जी बनाना रहेगा फिर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों हम लोग, और आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। तब तक लाइट भी आ जाएगी दोस्तों। साथ साथ ये ना साग भी बनाना है, और ये साग भी बनाना है दोस्तों। तो पहले साग और चावल ब्यूटी बना लेंगे, उसके बाद जब ये सब्जी बनाने के बाद आएगा फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। और इस तरह से कुछ काटा जाता है, और बैगन को इस पानी में क्यों डाल रही हो? इसका जो मतलब तीतापन होता है वो निकल जाता है दोस्तों। बैगन थोड़ा सा जब कड़वापन होता है वो पानी में काट के डालने से गुस्सा निकल जाता है दोस्तों। तो ये देखिए और कुछ इस तरह से काटे ये ब्यूटी यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर सब्जी बनती है। हाँ। और दोस्तों ये देखिए अभी ना रात के 7 बज चुका है, लेकिन लाइट ना अभी तक नहीं आया है। ये हम फोन जलाकर काम करें, और चावल ना हमारा बन चुका था बाड़ी सब्जी बनाने की, लेकिन क्या करें लाइट तो है ही नहीं, कैसे दिखाया आपको हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। और दोस्तों ये देखिए बैगन उधर कटा के रखा हुआ है और इधर कढ़ाई भी चढ़ चुका है, तो देखते हैं दोस्तों जब से लाइट आएगा तभी से हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। और लाइट नहीं है ज्यादा ना, तो मतलब अच्छे से फोकस भी निकल रहा है, और फोन भी चार्ज नहीं है, और फोन भी चार्ज नहीं दोस्तों। सुबह में ही आता है और उसके बाद पूरा लाइट कट जाता है। तो चलिए दोस्तों जब से लाइट आएगा तब से आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिए इसमें ना साग बन रहा है, इसमें दोस्तों साग बन रहा है ये देखिए। और इधर बैगन को सबसे पहले क्या करूँगी, बैगन जो बड़ा बड़ा है ना दोस्तों, इसको ना पहले तेल में तेल रख के उसको फ्राई किया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अभी ना मतलब लाइट आ चुका है, और काफी खुशी की बात है, एकदम से दौड़ते हुए आई ब्यूटी की लाइट आ चुका है, बाड़ी में गई थी। तो चलिए दोस्तों ये देखिए बैगन भी फ्राई हो रहा है, और ये रहा दोस्तों ये पत्ते कांच लगाने के लिए ना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे देखिए इस तरह से किया जाता है, रात को जाता जाता है दोस्तों। चलिए अब आपको पूरी रेसिपी दिखाएंगे, बहुत ही मस्त और कमाल की रेसिपी है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। और तो चलिए आप लोग ब्लॉग में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। ये देखिए लाइट भी आ चुकी है, तो और बैगन भी फ्राई हो चुका है दोस्तों लगभग। ये देखिए दोस्तों बैगन भी ना कुछ इस तरह से फ्राई हो चुका है, तो हो चुका है, और फ्राई करोगे थोड़ा सा और? तो दोस्तों ब्यूटी बोली थोड़ा सा और फ्राई करेगी। ये देखिए कुछ इस तरह से फ्राई किया जा रहा है दोस्तों। और दिव्यांश ने दोस्तों पापा आए हैं तो उनको नहीं देख रहे थे, तो बहुत रो रहा था कि पापा चले गए इसके लिए, तो दिव्यांश को लेके पापा गया उधर घुमाने। और ये देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बैगन ये देखिए फ्राई हो चुका है, तो ब्यूटी इसको निकालेगी। ये देखिए और कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फ्राई हो चुका है सारा बैगन। और ये देखिए दोस्तों बैगन यहाँ पे फ्राई हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। ये देखिए अब इसमें रखेंगे तेल, अब इसमें डाला जाएगा दोस्तों इसी कढ़ाई में तेल। ये देखिए ब्यूटी थोड़ा सा तेल डाल दिए, ये गया थोड़ा सा तेल, बस हो गया रहने दो दोस्तों तेल खत्म हो चुका है, तो ब्यूटी उसके एकदम से गाड़ के रख रही थी। तो ये देखिए इसमें गया थोड़ा सा तेल, और तेल ना अब गर्म हो चुका है दोस्तों। तो ये देखिए अब इसमें लाल मिर्च एक ही डालोगे दो तीन डाला जाएगा, और ये देखिए ये दो तीन लाल मिर्च जाएगा दोस्तों, सूखी हुई लाल मिर्च, और जीरा पाउडर नहीं है सॉरी खड़ा वाला जीरा दोस्तों, जीरा पाउडर। ये देखिए यहाँ पे जीरा का जो पैकेट था ना, तो इसलिए मेरे मुंह से पाउडर निकल गया दोस्तों। तो ये देखिए आज हम लोग बाजार गए थे दोस्तों, तो सारा कुछ खरीद के लाए हैं बाजार से ही। ये देखिए और दोस्तों ये देखिए
मिर्ची भी ना थोड़ा सा जलने लगा, मतलब हो चुका है जितना उसको रोस्ट होना चाहिए वो। तो अब इसमें डाला जाएगा प्याज दोस्तों। इसमें ना प्याज और ये जो दो तीन प्याज है, हाँ दो तीन प्याज है, प्याज और टमाटर ज्यादा डाला जा रहा है दोस्तों। तो ये देखिए ये प्याज, तो चिकन मटन के जैसा जो भी कुछ बनता है दोस्तों उसमें प्याज तो ज्यादा डाला ही जाता है, इसीलिए इसमें प्याज डाला जा रहा है दोस्तों। और दूसरी देखिए दोस्तों, और ये पत्ता से दोस्तों हम लोग खाना बनाते हैं। ये देखिए फिलहाल पत्ता ना पतझड़ का मौसम है, मतलब जंगल में पत्ता बहुत ज्यादा गिरता है, तो वही नानी लाती है, हम लोग भी जाते कभी कभी तो वहाँ से लाते हैं। और जब तक पतझड़ का मौसम रहेगा तो इससे वहाँ भरता होगा दोस्तों, खाना बनेगा। और जो मतलब लकड़ी का जो है उसको हम लोग रख दिए ऊपर, मतलब बरसात के लिए। प्याज ने देखिए अच्छे से गल चुका है, ब्राउन भी हो चुका है। तो अब इसमें क्या डालोगे? ये मसाला, ये देखिए इसमें अदरक लहसुन जीरा मरीच और अदरक लहसुन जीरा मरीच और हरी मिर्च। हरी मिर्च दोस्तों इतना सारा कुछ है इसमें। तो ये देखिए ये वाला मसाला है, सिलबट्टी पे पीस लिया है, सिलबट्टी पे पीस ली थी ब्यूटी दोस्तों, अंधेरा था नहीं तो हम लोग वो भी दिखाते। तो ये देखिए इसको सारा मसाला डाल दिया, इसको थोड़ा हाँ थोड़ा देर प्याज के साथ भुना जाएगा दोस्तों, हाँ हट जाएगा क्योंकि हरा मिर्च भी है ना दोस्तों इसमें, अदरक लहसुन। खुशबू कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है दोस्तों, खुशबू दोस्तों खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये मसाला ना हमारा भुन चुका है, तो अब इसमें देखेंगे हम टमाटर। जो यहाँ पे काट के रखे ब्यूटी, ये देखिए दोस्तों तीन टमाटर काट ली मैं, 300 टमाटर काट लिए ब्यूटी। और ये देखिए टमाटर, टमाटर के साथ क्या नमक दोस्तों, टमाटर के साथ नमक ब्यूटी बोलते, मतलब हम ऐसा डालते जब टमाटर डालेंगे तो उसके साथ नमक डालेंगे। इसके पीछे का रीजन ये देते हैं ब्यूटी कि इसमें से पानी जो रिलीज करता है टमाटर, तो मसाला अच्छे से भून जाता है। तो टमाटर अपना पानी भी छोड़ देता है, वही टमाटर भी भून जाता है, हाँ तो मसाला मतलब भून जाता है, नीचे चिपकता नहीं है। ये देखिए टमाटर और नमक डाल दिया है, तो अब इसको भी अच्छे से भुना जाएगा दोस्तों। ये देखिए, और ये तो दोस्तों ऑलरेडी हो चुका है फ्राई, इसको इसीलिए किया जाता है ताकि इसको मतलब ज्यादा बस उसे तो रखना है और उतारना है। जिस तरह से आलू को उबाल के उबाल लेते पहले तो ऑलरेडी सीज जाता है, तो इस तरह से इसको भी फ्राई कर दिए बिल्कुल। अब इसमें मसाला को भुनना है और उसके बाद ये डाला जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये ना देखिए टमाटर अच्छे से पूरा अपना पानी रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। और ये देखिए ये मसाला भी अच्छे से भून चुका है, तो अब इसमें डाला जाएगा दोस्तों ये मसाले, जो मतलब क्या 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 होता है इसमें, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाला जाएगा दोस्तों। ये देखिए पानी रख के रख दी थी ब्यूटी, पानी रख के रख दी थी, खुला नहीं है, खुला नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों ब्यूटी डाल दिए मसाले, और उधर देखिए कटोरी में जो रखे थे मसाले उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से, और इस मसाले को भी अच्छे से भुना जाएगा दोस्तों, और फिर इसको डाल दिया जाएगा। तो बस थोड़ी देर बाकी है और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, और दोस्तों मुझे ना मतलब अच्छे अच्छे खाने बनाने का ना शौक बहुत है ना। और दिव्यांश को पापा को खाने का। और दोस्तों क्या है ना कि अभी हम लोग मतलब मामा गांव में रहते हैं, तो कुछ मजबूरी है इसकी वजह से उतना ज्यादा कुछ हम लोग नहीं कर पाते, तो इसलिए ब्यूटी जो भी होता है ना उसमें बहुत अच्छे से मतलब अपना बनाती रहती है, उसी में अपना शौक पूरा करती रहती है दोस्तों। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो ब्यूटी जो बोलेगी ना वही, जब भी बोलेगी वही बनाएंगे, अभी तो बहुत इंतजार करना पड़ता है, एक एक करके रुपया जोड़ के फिर सब कुछ लाना पड़ता है दोस्तों, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। तो ये देखिए, और दोस्तों ये देखिए मसाला ना अच्छे से भुन चुका है, तो अब इसमें डाला जाएगा दोस्तों ये बैगन, जो फ्राई करके ब्यूटी ऑलरेडी पहले ही रख चुकी है। और इधर देखिए दोस्तों दिव्यांश को, दिव्यांश बेटा इधर देख लो, ये जादू बना हुआ है अभी तक, ये देखिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्यूटी डाल दी, सारा बैगन एक साथ ही डाल दी, ये देखिए, और कुछ इस तरह से दोस्तों बहुत ही टेस्टी ये बनता है। अब आप लोग बना के जरूर खाइएगा दोस्तों, और इस बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, हम लोग तो बताते हैं कि कैसा लगा। तो अपने खाने का तो बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि अपने जो बनाते हैं तो वैसे अच्छा नहीं भी लगता होगा, फिर भी अच्छा बोल देते होंगे, तो आप लोग एक बार बना के देखिएगा। और दोस्तों ये ना इसके सामने चिकन मटन फील है, आप लोग अगर बना के देखिएगा। और दिव्यांश इधर से हंस रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे, हाँ। और दोस्तों ये देखिए अभी ये हो चुका है, अब इसमें हल्का सा पानी डाला जाएगा दोस्तों, और फिर जब मतलब एक उबाल आ जाएगा तो धनिया पत्ता डाल के उसको उतार लिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों तब तक ये होता है ना, तब तक मैं मोबाइल को भी चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल भी डाउन होने वाला था, अभी भी लाइट आया, तो हमने सोचा कि पहले रिकॉर्ड कर ही लेते उसके बाद चार्ज में लगाएंगे दोस्तों। देखिए कितना सुंदर लगता है कि मतलब चिकन ही बन रहा है ना। और दोस्तों ये देखिए अभी ना रात हो चुकी है,
और सभी लोग यहाँ पे। फिर आपको दिव्यांश को दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों दिव्यांश यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, अलाप चला के सब लोग बैठे हुए दोस्तों, नाना नानी और दिव्यांश और लोग यहाँ पे इधर देख रहे दोस्तों टीवी सीरियल, इधर देखे दोस्तों यहाँ पे, और इधर हम लोग खाना खा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है सब्जी, यही है सब्जी, और इधर किरैया का सब्जी है, इधर कचरी है, इसे भाभी बना कर लाई है, अभी आपको टेस्ट करके बताएगी दोस्तों। ये देखिए और फोकस कर ले, फोकस है दोस्तों, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, लेकिन आप लोग मेरे बात पे विश्वास क्यों करोगे कि बोलोगे खुद बनाई है खुद खा रही, तो बोलोगे अच्छी है ना भी अच्छा होगा तो, लेकिन दोस्तों आप लोग बनाकर जरूर खाएगा फिर बताइएगा। हाँ दोस्तों ये आप लोग ने बताइएगा इसको बनाकर कि कैसा लग रहा है आप लोग को। तो चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।